जय भवानी, एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल व्हील्स ऑफ व्हिस्की के अंदर। और वॉर ऑफ बॉटल के इस सीजन के अंदर आज हम जिन दो बॉटल्स को आपस में भिड़ाएंगे, एक तरफ है रेड नाइट ब्लेंडेड व्हिस्की और दूसरी तरफ जो व्हिस्की है जो हाल ही के अंदर इंडिया में लॉन्च हुई है वो है रॉयल ग्रीन ब्लेंडेड व्हिस्की। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास सेम प्राइस रेंज की दो बॉटल्स होती है तो सेकंड थॉट हमारे दिमाग में जो आता है वो आता है कि यार टेस्ट वाइज कौन सी विस्की ज़्यादा बेटर होगी, किसमें हमको ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिलेगा और कौन सी विस्की पीने के बाद अगले दिन हमें हैंगओवर नहीं होएगा। तो आज हम इसी कारण से इन दोनों बॉटल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग पार्टी करने बैठे तो एटलीस्ट आप लोगों का टाइम इस चीज़ में तो बर्बाद ना हो कि आज हम कौन सा ब्रांड पिए दोनों में से, बिकॉज हम दोनों का आज रिव्यू कर देंगे। जो दोनों में से बेटर विस्की होगी आप उसे चूज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम आपके पार्टी के लिए। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने ड्रिंक करनी स्टार्ट करी थी तब मैं उस टाइम ब्रांड कॉन्शियस तो था नहीं, जो ब्रांड अवेलेबल है एंजॉयमेंट हो जाए वो ब्रांड हम ले आते थे। तो उस टाइम पे हमारे फ्रेंड सर्किल में एक ही चीज़ डिस्कस होती थी जब भी हम पीने बैठते थे कि कौन कौन कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये कभी डिस्कस नहीं होता कि कौन कंट्रीब्यूट करेगा कौन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, हम वो सवाल लेके नहीं आते थे जिसका हमारे पास आंसर ही नहीं हो। तो ऐसी कई मेमोरीज है जो हमारे साथ अटैच्ड है, मेरे साथ अटैच्ड है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी अटैच्ड हो, बट ये मेमोरीज बेसिकली अटैच्ड होती है बजट विस्कीज के अंदर। अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से पैसे वाला है, पैसे खर्च कर रहा है, प्रीमियम विस्कीज पी रहा है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट मेमोरीज कहाँ जनरेट होती है, जहाँ पे हमें जुगाड़ करना पड़ता है पैसों का एक विस्की की बॉटल के लिए। तो ये मेरी मेमोरी थी, आप लोगों की क्या मेमोरी है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सोनी यादव को ताजा करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रॉयल नाइट ग्रीन नाइट ब्रांडेड विस्की का रिव्यू करते हुए। कंफ्यूज हो गए यार, दोनों अलग अलग बॉटल ही है, मैंने दोनों का नाम मिक्स कर दिया है। वैसे ही जैसे थ्री डेट मूवी के अंदर रणछोड़ दास, शामक दास छाचड़ ने अपना जो फ्रेंड फरार नाइट्रेट है उसका नाम मिक्स कर दिया था और वहाँ पे ये बताया था कि स्टडीज में आखिर पढ़ाते कैसे हैं, वो वहाँ पे सिखा रहा था कि पढ़ाते कैसे और मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि पैग अड़ाते कैसे हैं। तो अब सबसे पहले मैं दोनों क्लासेस के अंदर विस्की को पोर कर लेता हूँ। स्टार्ट करता हूँ रेड नाइट विस्की के साथ। एक्चुअली जब भी हम ड्रिंक करने बैठते हैं तो आदत वही रखी हुई है कि एक हाथ से पोर करना है और दूसरा हाथ यहाँ पे रखना है। इट्स अ वे ऑफ रेस्पेक्ट इन राजस्थान, हर स्टेट के अंदर अपना अलग अलग होता है। अब रॉयल ग्रीन विस्की को मैं पोर कर देता हूँ ग्लासेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रेड नाइट विस्की के साथ। कलर की बात कर लेते हैं हम, कलर इसका एम्बर कलर है और मैं नोजिंग पे आ जाता हूँ कि नोजिंग इस विस्की की क्या बोल रही है। फ्रूटी मॉल्टी एंड कैरेमल की नोट्स दे रही है विस्की मुझे, साथ में मेरे को जो स्मोक है उस स्मोक के भी नोट्स आ रहे हैं और बहुत ही कम हिंट, अ पिंच ऑफ हिंट मेरे को आ रही है हनी की। सो अब रेड नाइट विस्की को टेस्ट करके देख लेते हैं कि आखिर टेस्ट क्या बोल रहा है इस विस्की का। फ्रूटी एंड टॉफी का टेस्ट दे रही है विस्की मेरे को स्टार्टिंग के अंदर। मेरे को सबसे पहले जो टेस्ट इन्हीं दो फ्लेवर्स का आया है और जैसे ही विस्की मेरे गले से उतरी है एक वार्म फीलिंग दी है मेरे गले के अंदर इसने, और जो कैरेक्टर मेरे को आ रहा है वो आ रहा है स्मोकी कैरेक्टर, अच्छा खासा स्मोकी कैरेक्टर ये विस्की मुझे दे रही है। ड्रिंक प्लेजेंट है, हार्श ड्रिंक मैं नहीं बोलूँगा इसको। अगर मैंने जैसे रॉयल चैलेंज विस्की ली थी तो उसके कंपेयर में ये थोड़ी लाइट है विस्की, रॉयल चैलेंज थोड़ी हार्ड थी विस्की। तो अच्छा खासा विस्की का टेक्सचर और अच्छा खासा ब्लेंड बनाया हुआ है रेड नाइट विस्की का। तो अब हम आ जाते हैं रॉयल ग्रीन विस्की के ऊपर और देख लेते हैं इसके टेस्ट नोट्स एंड नोजिंग क्या बोल रही है। उससे पहले थोड़ा बहुत मैं पानी पी लेता हूँ। रीज़न ये है कि जस्ट अभी रेड नाइट विस्की को मैंने टेस्ट किया है, मैं चाहता नहीं हूँ कि दोनों के टेस्ट जो है वो मिक्स हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं रॉयल ग्रीन विस्की के साथ। कलर की बात कर ले तो कलर इसका गोल्डन कलर है एज कम्पेयर टू रेड नाइट विस्की, इसका कलर लाइट है, रेड नाइट विस्की का जो कलर है वो डार्क है। नोजिंग पे आ जाते हैं, नोजिंग क्या बोल रही है रॉयल ग्रीन विस्की की। अच्छे खासे ग्रेन के नोट्स आ रहे हैं मेरे को, जो ग्रेन्स यूज किए गए हैं इस विस्की के अंदर उसके नोट्स मेरे को आ रहे हैं और साथ के अंदर मेरे को ग्रेसी नोट्स भी आ रहे हैं इस विस्की के अंदर। तो अब हम टेस्ट पे आ जाते हैं कि टेस्ट क्या बोल रहा है रॉयल ग्रीन विस्की का। जो फर्स्ट कैरेक्टर मैं महसूस कर रहा हूं वो है स्वीटनेस का विस्की, ये स्वीट विस्की है, मीडियम स्वीट विस्की है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है,
प्लेजेंट विस्की है और जब गले से उतर रही है तो मेरे को एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली मैं इसको पी पा रहा हूँ। जैसे कि ब्लेंडर्स प्राइड विस्की आती है, रॉकफोर्ड विस्की आती है, उनको ड्रिंक करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे इस विस्की को भी पीने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। हालांकि बजट विस्की है बट आपको फील पूरा ये दे रही है प्रीमियम क्वालिटी वाला विस्की का। तो इन दी एंड मैं बोलूँगा कि रॉयल ग्रीन विस्की बेटर विस्की है और मैंने जैसे इसका रिव्यू किया था उस रिव्यू के टाइम भी मैंने बोला था कि मैं सरप्राइज हुआ हूँ इस विस्की से, बिकॉज इस प्राइस रेंज के अंदर विस्कीज क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट पैक लेते हैं तो एक रिएक्शन आता है बॉडी का, शिवरिंग हो जाती है बॉडी के अंदर की एक करंट देती है, वो करंट अच्छा वाला करंट नहीं होता है, वो झटके वाला करंट होता है। तो ऐसा कोई करंट मेरे को इस विस्की ने नहीं दिया है। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ या फिनिश की बात करूँ तो अच्छा खासा प्लेजेंट फिनिश है रॉयल ग्रीन विस्की। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही इंडियन मैन्युफैक्चर्ड विस्की है, दोनों ही ग्रेन विस्की है, एज पर कंपनी की दोनों विस्कीज के अंदर ग्रेन यूज किया गया है, दोनों ही सेम सेगमेंट की विस्की है, ब्लेंडेड विस्की है। और अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की बात भी कर ले तो दोनों विस्की राजस्थान के अंदर 710 रुपए के अंदर अवेलेबल है, क्वांटिटी वही रहती है 750 ml। हालांकि रेडनेट विस्की को जो कंपनी बना रही है वो बना रही है खोडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जबकि रॉयल ग्रीन विस्की को मैन्युफैक्चर कंपनी जो कर रही है उसका नाम है एडीएस स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब आता है क्वेश्चन कि आखिर दोनों विस्की के अंदर से बेस्ट कौन सी है। अब देखिए, अगर आप मेरा कंपैरिजन करेंगे या मेरा एग्जांपल लेंगे तो मेरे को तो रॉयल ग्रीन विस्की ज़्यादा अच्छी लगी है रेड नाइट विस्की से, बट ये डिपेंड करता है, हो सकता है टेबल के उस तरफ बैठे हुए इंसान को रेड नाइट विस्की पसंद आए एज कम्पेयर टू रॉयल ग्रीन विस्की। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप विस्की लेने जा रहे हैं और आपके पास दो विस्कीज की चॉइस है, रेड नाइट की और रॉयल ग्रीन विस्की की, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपको विस्की चाहिए थोड़ी हार्ड स्ट्रॉन्ग स्मोकी कैरेक्टर के साथ, फ्रूटी कैरेक्टर के साथ, तो जाइए आप रेड नाइट विस्की के लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए विस्की जो मीडियम स्वीट हो और सॉफ्ट कैरेक्टर हो तो जाइए आप रॉयल ग्रीन विस्की के साथ। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, चाहे दोनों में से कोई भी विस्की लाइए लेकिन इसकी जो बेस्ट सपोर्टिंग ड्रिंक होती है वो होती है सोडा एंड वाटर। आइस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो रॉक आइस क्यूब्स आती है मार्केट में, उसे यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज बेस्ट है चिल्ड पानी ले लीजिए और सोडा लीजिए और उसके साथ इस विस्की को एंजॉय करिए। एक बात और दोस्तों, आपने हैंगओवर की कहानी तो सुनी होगी, हर पीने वाले की जुबानी, कई बार ना चाहते हुए भी हमें ज़्यादा पीनी पड़ जाती है, मान मनुहार के अंदर दोस्त बोलते हैं, फैमिली वाले बोलते हैं यार एक पैक दो पैक चल जाएगा, लेकिन होता क्या है उसके बाद होता है अगले दिन हैंगओवर, और उस हैंगओवर के कारण हमारा जो अगला दिन होता है वो कैलेंडर से स्किप हो जाता है और हमारा परमानेंट एड्रेस होता है हमारा बेड, क्योंकि पूरा दिन वहाँ बेड पर निकलता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक टैबलेट आती है मार्केट में, हिमालय जो आयुर्वेदिक कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी, आपने नाम सुना हुआ होगा, उसकी पार्टी स्मार्ट करके एक टैबलेट आती है। पार्टी करने के बाद आपको लग रहा है अगर आपने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो आप एक टैबलेट ले लीजिए, और अगले दिन अगर आप उठेंगे जिस दिन आप पार्टी करने के अगले दिन, तो आपको हैंगओवर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक दो बार ये आजमाया हुआ है तो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जिनको रेगुलर हैंगओवर की प्रॉब्लम होती है तो वो ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन तो प्रॉब्लम नहीं, और हिमालय का नाम तो वैसे अच्छा खासा ट्रस्ट जनरेट है मार्केट के अंदर। सो दोस्तों, वीकेंड स्टार्ट हो गया है और आज तो पार्टी होनी चाहिए यार, आज तो पार्टी बनती है, बस आप मेरे वीडियोस देखिए और डिसाइड करिए कि आज आपको कौन सी विस्की पीनी है। एटलीस्ट इतना टाइम तो मैं आज आप लोगों को बचा ही लूंगा, हाँ वो कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट वाला टाइम मैं नहीं बचा पाऊंगा, वो चीज आप ही को डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट अ वीकेंड विद चीयर्स, और आपके चीयर्स के अंदर मुझे याद रखना। बाय बाय, जय भवानी एंड पार्टी हार्ड।